एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन लगातार इस स्थिति का जायजा ले रहा है। पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी लोगों को नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की हिदायत दे रहे हैं। नगर क्षेत्र में महिला पुलिस ने भ्रमण कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखे जाने की बात कही गई है। देखिए, जैसा आप सबको पता ही है कि अभी लॉकडाउन का तृतीय चरण शुरू हो चुका है और हमारे यहाँ अयोध्या में श्रीमान डीएम महोदय और श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा लगातार ये चीज़ हम लोगों को बताई भी गई है और जनता से भी अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का जो है वो कड़ाई से पालन करें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और निकलें तो मास्क पहन के निकलें। तो उसी के संबंध में आज महिला थाना द्वारा हम सब लोगों ने बाइक से, स्कूटी से, गाड़ियों से रैली निकाली थी, एरिया डोमिनेशन किया था ताकि जो भी सड़क पर चलने वाले लोग हैं और जो व्यक्ति बाहर निकले हुए हैं वो थोड़ा सजग हो जाएं और चेतें कि नहीं उनको कब निकलना है, क्या है, और निकले तो मास्क पहन के निकले। तो एक समाज में सूचना भी अच्छा, संदेश भी अच्छा जाता है कि भाई सब लोग निकले हुए हैं तो मतलब अलर्ट रहना है और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आना है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों के खुलने पर दवा से ज्यादा शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। यही नहीं, हालात यह रहे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर शराब को ऐसे खरीद रहे जैसे कोई बड़ी चीज हाथ लग रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार होते देख जिला प्रशासन के आला अधिकारी एडीएम सिटी वैभव कुमार और सीओ सिटी अरविंद चौरसिया को मैदान में उतरना पड़ा और शराब खरीद रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना पड़ा। यही नहीं, जो लोग मुंह पर मास्क नहीं लगाए थे उनके लिए यह फरमान भी जारी करना पड़ा कि बिना मास्क के शराब नहीं मिलेगी। आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोग फील्ड में हैं, पूरा भ्रमणशील हैं, सुबह से ही पूरा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जो दुकानें खुलने का विषय है उसमें जो है शराब की दुकानें हैं, अन्य दुकानें भी हैं, तो अभी डीएम साहब उसमें जो आदेश जारी करेंगे उसके हिसाब से हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। शराब की दुकानें खुल गई हैं, वो सुबह 10 बजे से खुली हैं, लेकिन कल से ही हम लोग इसमें तैयारी कर लिए थे। हमारे एसएसपी साहब के आदेशानुसार हम लोग रस्सा, बल्ली, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करके वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। पूरा 5 लोगों की पेंटिंग कराए हैं, 5 लोग ही लाइन में लग रहे हैं। उसके अलावा जो लोग लग रहे हैं उनको हिदायत दिया जा रहा है साइड में रहें, लाइन में अनावश्यक ना खड़े हों। इस तरह से ये कंप्लायंस पूरी तरह कराया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाएं, रुमाल बांध के, गमछा बांध के टेम्परेरी चले आए हैं शराब पीने, उनको भी टोका टाकी किया जा रहा है कि आप शराब लेने आए हैं और रुमाल इस पर ना बांध करके आप एक मास्क जरूर ले लें। तो इस तरह से लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, प्रॉपर जो हमारे मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानों पे पालन होना है उस चीज़ को हम करा रहे हैं। कितने बोतल तक दिया जा रहा है? देखिए, अभी इसमें कोई गाइडलाइंस इस तरह नहीं है, लेकिन हम लोग दुकानदारों को ये चीज़ ज़रूर अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग एक लिमिट से ही करें जिससे कि कहीं अव्यवस्था ना फैले हमारे क्षेत्र में, लोग भागे ना, लूट ना करें कि नहीं पहले ले लो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है, अब दुकानें खुल गई हैं तो सबको मिलेगा, कहीं इस तरह कोई बात नहीं है। संख्या कोई काउंटर नहीं है, लेकिन हम लोग इनको लिमिट में ही देने के लिए बात कर रहे हैं।